हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनुज जिंदल। सो जैसे कि हमें काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती रहती है हमारी स्टूडेंट से कि आफ्टर क्लियरिंग देयर नेट जेआरएफ एग्जाम कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो हमने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, आप देख भी सकते हैं, ऊपर लिंक आ रहा है हमारी वीडियो का। सो उसमें हमने आपको बताया था कि काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि टीचिंग, वर्किंग एज ए रिसर्च असिस्टेंट एंड देन वर्किंग एट सम ऑफ द पीएसयूज एज वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं एक रिसर्च असिस्टेंट से जो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एज अ रिसर्च असिस्टेंट वर्क कर रही हैं। सो आज हम इनसे बात करेंगे और देखेंगे कि हाउ इज़ द लाइफ ऑफ अ रिसर्च असिस्टेंट और कैसे एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स मिलती है अगर आप एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम करते हैं। सो आई वेलकम यू ऑल शुभांगी। सो शुभांगी वर्मा इज वर्किंग एज अ रिसर्च असिस्टेंट एट श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सो इनसे हम बात करते हैं, आइए। तो शुभांगी, व्हेन डिड यू थॉट कि लेट्स गो फॉर अ रिसर्च असिस्टेंट एंड नॉट स्ट्रेट अवे गो फॉर योर वर्किंग एज अ लेक्चरर और फॉर योर पीएचडी आफ्टर क्लियरिंग और नेट जेआरएफ, इसके बारे में कुछ बताइए। सो जब मेरा मास्टर्स ऑफ कॉमर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद आई वाज नॉट श्योर दैट आई वांट टू गो फॉर द पीएचडी और आई वांट टू रजिस्टर इन एडहॉक पैनल और गो फॉर द लेक्चरर। सो आई वाज नॉट श्योर, सो I gave interview for this research assistant position and I was like, let's try exploring something new, something which might be and something opening a door to some new channel for me. So that is why I'm not going for the conventional methods. I tried let's go for the research assistant and then went for the interview. I got selected and now I am glad that I got selected. So I think that is commendable, working as a research assistant at Shriram College of Commerce in itself a very big thing, and I'm sure you must be having wonderful experience. But that brings me to a next question, that what were you thinking, as in like any person jo bhi net jrf qualify karta hai, you could have gone for teachings. So what are the experiences that you had while working now as a research assistant at Shriram College of Commerce? So I have seen many of my friends that they apply for the PhD immediately after masters in commerce and they go haywire from here and there and thinking ki proposal kaise banana hai, and then for the ad hoc panel lecturer they are like हम क्यों कैसे पढ़ाने, सो दे आर वेरी अनक्लियर अबाउट इट। एंड नाउ व्हेन आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च असिस्टेंट आई हैव लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स अबाउट हाउ टू मेक अ प्रपोजल, हाउ टू गो अबाउट लिटरेचर रिव्यू, वो होता क्या है, उसमें मेथडोलॉजी कैसे डालते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे डालते हैं, ऑथर का नाम कैसे आता है, वॉट इज़ APA, वॉट इज़ हार्वर्ड, एंड दीज लिटल थिंग्स विच मैटर अ लॉट इन केस ऑफ PhD. And I am learning them now and I think that it's better that you learn something and then go forward with it. So, you know, I would in fact suggest people that you should first learn them and then be like, yes, we want to do PhD rather than going haywire from here and then proposal kaise bante hai, proposal kaise, yeah. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्टेप, बिकॉज कई बार हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि किस तरीके से प्रपोजल बनाएं, सिनोप्सिस बनाएं, एंड वर्किंग एज अ रिसर्च असिस्टेंट आई थिंक की हैज़ गिवन यू एन आइडिया कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, एंड वो श्योरली आपको हेल्प करने वाली है जब आप फ्यूचर में PhD के लिए जाएंगी। सो वॉट इज नाउ, वॉट इज द प्लान नाउ शुभांगी, मतलब अब क्या प्लान है आपका कि आफ्टर हैविंग सच एक्सपीरियंस ऑफ 3 to 4 months वर्किंग एज अ रिसर्च असिस्टेंट, अब आपको क्या क्लैरिटी है, अब आप क्या करना चाहती हैं हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। That मेरे को रिसर्च करने में बहुत मजा आ रहा है, आई लव एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, आई लव फाइंडिंग आंसर टू द प्रॉब्लम्स, सो या नाउ आई एम प्लानिंग टू गो फॉर PhD एंड सो अगेन नाउ आई नो हाउ टू मेक अ प्रपोजल, सो इट इज वेरी इजी फॉर मी टू go ahead with that kind of aim that yes I can get selected. So what I can understand is ki aapko kaafi maza aane laga research mein, to pehle jis tarike se aap unclear the aapne jo explore kiya to aapko pata chala ki ha aapko research mein interest hai and ab aap finally PhD ke liye taiyar bhi hain and PhD ke liye jana chahte hain. So I think that's commendable aur I'm very glad ki you have taken that step ki aapne conventional method nahi follow kiya and you took that risk, because there is also a risk involved in such kind of situations. So that's commendable. Now, I would like to take you a little back to your educational background and stuff. आपका educational background क्या रहा है शुभांगी? So, I have completed my 12th in commerce in 2013. After that, I did my economics. I did economics honors from Gargi College and cleared it around 2016. Then I went to KPMG for 6 months in KYC profile.
Then after that, I went for master's in commerce and completed in this year only, 2019. Okay, and now you're working as a researcher. Yeah, now yeah, I so do. That's, I think that's a very diversified lines that you have chosen throughout your career. So that brings me to the next question for our viewers, that what made you shift from being a eco honors, from an eco honors background to a master's in finance or commerce? So aapne kyun shift kiya? Basically two things which made me shift from economics to finance. Firstly, that economics and finance are correlated a lot more than commerce and finance actually are. And this is something that people should know, that so many of them, you know, think ki hum economics se commerce mein ja rahe hain to kya ye sahi hoga ki nahi hoga, hamare liye puri puri line change ho rahi hai. Aisa nahi hai. Agar aap economics se commerce mein aa rahe ho to in fact you are getting a very good base for finance, kyunki finance shuru hi economics se hota hai and jo commerce se shuru karte hain unka base nahi hota. So that is one point which made me switch from economics to finance and commerce. And the second one was that while I was working in KPMG, I was working on hedge funds, mutual funds, and there I learned that this is so much interesting and I just loved working in that kind of financial aspects of business. So that is why I was like, yes, I want to shift from economics to finance. So basically, I think ki jo aapne jo work experience liya hai KPMG mein, usne aapka kaafi interest develop kiya finance mein, and you thought ki now you already had that base of economics, so it will be very interesting to go for finance. So I think that's a well thought of process to go for masters in commerce. Now I have a next question, that aapne apna net jrf to clear kiya hi hoga, so kab wo time tha jab aapne socha ki ab aapko net jrf ki taiyari shuru kar leni chahiye, and aapne kitna time devote kiya, kitne months pehle preparation shuru kari, kya preparation strategy rahi, iske bare mein kuch hamare aspirants ko bataiye. So I started my preparation 4 to 5 months before my exam. So the exam was on July 8th and I definitely started in February or so. So and I used to work for 2 to 3 hours, 3 to 4 hours per day. It gradually increased as the months increased. So what happens is up commerce ka pad rahe ho, apne masters in commerce ka pad rahe ho, and so what you do is internals aage isliye hum net ka chhod denge, fir externals aage isliye hum net ka chhod denge, and we don't study side by side. And then what happens is aapka April ke baad exams khatam ho gaye and you are all burdened with net ka padna, and that 2 months you are just like fad 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 24 ghante sirf net ka. So I don't think that is a very good strategy for us to do clear any paper, be that for matter. Hame har cheez ko prepare karke pehle se hi karna chahiye if you want ki acche se ho, base banke hamari padhai hoke wo ho. Sirf just for the sake of it karna, there is no point. So I would suggest that, yes, in fact for all the aspirants I would suggest ki if you want, really want to do base building and then go ahead, so start your preparation 5 months before, be it like give 3 to 4 hours or 2 to 3 hours, whatever time you think is appropriate, but start it way before than what you actually do. So I think she is giving a wonderful suggestion, kyunki hamare paas bhi jo request aati rehti hai kafi sare students se, to wo bhi 2-3 mahine pehle hi wo apni preparation shuru kar rahe hote hain, and simultaneously us time pe wo apna masters bhi pursue kar rahe hote hain. So aapne bilkul theek kaha ki kai baar external exams aa jate hain, kai baar internal exams aa jate hain, aur wo continuity toot jati hai. And net jaise paper mein jisme bahut zyada ab application based question aa rahe hain, conceptual question aa rahe hain, usme continuity maintain karna bahut zyada zaruri hai. So I would also personally suggest ki at least 4 to 5 months pehle agar aap preparation shuru karte hain और रेगुलर 3 to 4 hours दे रहे हैं, सो आपकी कंसेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड होंगे और आप एक कंटिन्यूटी में भी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे. सो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल सजेशन. नाउ आई वुड स्पेसिफिकली लाइक टू नो कि आपने पेपर वन के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज करी, बिकॉज काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पेपर वन में काफी सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमारे स्टूडेंट्स को. सो फर्स्टली आई वुड टेल यू दैट जितना हमारे को लगता है कि पेपर वन तो हो जाएगा, बहुत इजी पेपर है, उसमें कुछ है ही नहीं, इट इज़ सो इजी, इट इज़ सो बेसिक, ऐसा नहीं है. सो क्योंकि मेरा परसेप्शन यही था कि चलो क्वांट और एलआर तो आता है, रिसर्च हो जाएगा, कम्युनिकेशन तो बहुत इजी है, बट ऐसा नहीं है. सो रिसर्च, कम्युनिकेशन एंड देन द थर्ड DI, दीज आर वेरी 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 इंटेंसिव सब्जेक्ट्स एंड उनको प्रिपरेशन की ज़रूरत है. सो यू माइट फील कि वो बहुत ईजी है वाइल यू आर स्टडिंग, बिकॉज यू नो कि हाँ ये तो फॉर्मल कम्युनिकेशन तो वी नो वॉट इट इज़, बट जब वो पेपर में आता है एंड देन यू हैव दोज 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू विच आर एक्सट्रीमली रिलेटेड टू ईच अदर, तब यू आर लाइक हमको नहीं पता कि कैसे आएगा. सो यस आई वुड सजेस्ट दैट
please focus on the areas like research aptitude, teaching aptitude, communication, because in that our overconfidence makes us go down. And that is what has happened with me as well. So I would definitely suggest that in three subjects, especially mat chhodna, kyunki LRR quant to fir bhi hum kar lete hain, but then ye nahi ho pate hain because ye humne kahin kabhi padhe bhi nahi hote isse pehle. So yeah. So you also had a lot of practice. आपने काफी ज़्यादा practice questions solve किए. So मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि जो बच्चे under confident होते हैं, उन उस वो सिर्फ इसलिए होते हैं exam में क्योंकि उन्होंने proper practice नहीं करी होती है. तो ये जो paper one के topics हैं, beat, di, beat, research aptitude और teaching aptitude, इसमें बहुत ज़्यादा practice questions करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा mocks लगाने की ज़रूरत है. तो मैं यहाँ पे अपने viewers को बताना चाहूँगा कि हम एक book लेके आ रहे हैं जिसके अंदर more than 1500 multiple choice questions हैं along with explanations as well. तो वो हम amazon.com पे डाल देंगे, आप वहां से परचेज कर सकते हैं. एंड आई एम श्योर कि अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं पेपर वन के लिए तो आप बहुत इजीली उसको थ्रू कर पाएंगे पेपर वन को. अब नाउ मूविंग टू पेपर टू, सिंस आपका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड कुछ और रहा है और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने मास्टर्स ऑफ कॉमर्स से करी है, सो व्हाट हैज बीन योर स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेपर टू फॉर नेट जेआरएफ एग्जाम? सो फॉर पेपर टू इट वॉज मोस्टली कि इकोनॉमिक्स और स्टैट्स मेरा स्ट्रांग था बिकॉज इट वॉज ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स. Then I had IB and then marketing. These subjects were already there in my masters in commerce, first and second semesters. So these were the subjects जो मुझे पता था कि हाँ इनको तो मैं कर सकती हूँ easily. That I know that how to go about these, the concepts were clear, the things were clear. But then there were some subjects like legal aspects, then taxation. उनका I didn't even know सिंगल थिंग अबाउट, येस नॉट इवन बेसिक्स अबाउट जो मुझे पता थे उनके बारे में. तो फॉर दैट आई वेंट टू यूट्यूब चैनल्स लाइक अनुज जिंदल एंड देन खान अकेडमी एंड आई वेंट फॉर द वीडियोज. सो बेसिकली द थिंग आई लव्ड अबाउट दीज चैनल्स एंड हाउ दे टीच इज दैट दे गो क्वेश्चन वाइज. सो दे विल शेयर यू वन क्वेश्चन विद यू, दे विल पुट सम ऑप्शंस एंड देन यू नो दे विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी ऑप्शन. So for example, if we are working on elasticity of something and the question is on elasticity and then options are elasticity of price, elasticity of income, elasticity, cross elasticity. So the thing is that they will explain each and every concept. So in one 10 minutes video, we will learn three concepts. And in the era in which we are working, हमारे पास time नहीं होता कि हम बैठ के आधे आधे पौने पौने घंटे की videos देखें. अगर हमारे को 10 minute में ही सारे concepts एक साथ मिल रहे हैं तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है. So I think कि for paper 2 जो आपके अच्छे subjects थे जिनपे आपकी command थी, जैसे कि जो e-commerce में आपने पढ़े हुए थे वो तो आपने already अपनी book से तैयार कर लिया होगा graduation post graduation की, और जो कुछ ऐसे subject थे जो आपकी post graduation में आपने नहीं पढ़े थे उनके लिए आपने videos use करी. मैं यहाँ पे अपने viewers को बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही essential technique है कि रिवर्स इंजीनियरिंग की, जो हम भी अपनी बार बार वीडियो में बताते रहते हैं कि अगर आपके पास टाइम कम है और आपको कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड करना है तो बेस्ट तरीका क्या है कि कुछ ऐसी वीडियोस देखें जहां पे चारों ऑप्शंस को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जा रहा है. इससे दो एडवांटेजेस होते हैं, पहले तो आपको रीजन पता चल जाता है कि अगर किसी क्वेश्चन का कोई आंसर है तो वो क्यों है, और साथ ही साथ आप एक ही क्वेश्चन के अंदर चार कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं. तो ये एक बहुत इफेक्टिव मेथड है जो बहुत कम टाइम में आपको काफी सारे क्वेश्चन समझा देता है. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. शुभांगी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि अब सिंस आपने पेपर वन एंड टू क्लियर कर लिया है एंड नाउ यू आर गोइंग फॉर योर पीएचडी एंड ऑल, सो व्हाट डू यू थिंक मींस व्हाट इज समथिंग दैट मेक्स यू इंक्लाइन टुवर्ड्स पीएचडी? मतलब अब ऐसा आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि आप सोचते हैं कि आपको पीएचडी के लिए जाना चाहिए, या व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स नाउ? सो या आई वुड डेफिनेटली गो फॉर पीएचडी नाउ बिकॉज नाउ एज अ रिसर्च असिस्टेंट आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि अब मेरे को पता चल गया है कि रिसर्च मेरे लिए सब बहुत समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड मेरे को बड़ा मजा आ रहा है इसका काम करने में. सो यस आई विल गो फॉर पीएचडी ओनली. ओके, सो दैट मींस कि आउट व्हाइल वर्किंग एज अ रिसर्च असिस्टेंट आपने अपने इंटरेस्ट को फॉलो किया और अब आपको लगता है कि आप रिसर्च में क्योंकि काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो अब आप पीएचडी ज्वाइन करना चाहते हैं. जस्ट वन मोर क्वेश्चन शुभांगी, क्या आप पीएचडी ज्वाइन करके यू विल फाइनली गो एज अ लेक्चरर ओनली और यू वांट टू ज्वाइन सम रिसर्च इंस्टीट्यूट? बिकॉज देयर आर ऑल्सो सम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स व्हिच higher candidates who have done PhD for their data analytics and other purposes. Yeah, yeah. So what are your plans in those lines? So now, right now, I just love working for the research and projects and, you know, finding out things and
deciding that, oh, this can be the point or this can be the point, and building on questionnaires, primary research and everything. So yeah, just loving your work. I am just loving my work. So definitely I would go for some further research projects. In fact, I am thinking of going ahead before PhD. If I get one more chance to have one more project, I'll definitely do that. So yeah, more than lecturer, I'm inclined towards research projects. So that's commendable, and I would like to quote a very wonderful quotation that I have once heard, that if you love something, you'll never feel tired about it, and you're also energetic as well. Yeah. So I think that's the case in your case. And now last question, ki kya aap suggestion dena chahenge hamare budding aspirants ko jo net jrf ke liye prepare kar rahe hain, ki what should be the element that they should keep in mind while deciding their future course of options, kyunki kafi zyada career options available hain. So unko kya aap final suggestion dena chahenge? So my final suggestion would be, first of all, while you are preparing, do not think ki ye wala subject nahi aayega, ye wala subject easy hai, to isliye hum ya to chhod dete hain ya us pe kam focus karte hain. I would definitely recommend कि जितने ज़्यादा questions हो सके करो, जितनी ज़्यादा practice करोगे और जितना time उस पर devote करोगे उतना better होगा. Specially in paper one, if you guys keep on doing questions, in fact mock tests सबसे ज़्यादा important होते हैं. So I had two books and I completed both the books for both the papers. So approximately 500 to 700 questions mock test I have already done before appearing for my paper. So that is what something I would recommend, that do as many questions as possible, because time management is a thing which you will face when you will be doing your paper one and paper two, because the time is very less. So you know, you need to do number and number and number of questions. First suggestion would be that. Second, in terms of career, I would suggest that go for something which not others tell you to do, but something which your heart tells you to do. So you know, if you think that you are good in research, so go for research. If you think that you would be happy in between kids and teaching them something, then go ahead with that. And if you think you are better in some corporate offices and all that swag and everything, then go ahead with that. So you know, just listen to your heart and not what others suggest you, because in the end it is your job and it is something you will have to do 24/7 and not them. So I think that was a commendable suggestion for our upcoming students, because aaj yahi problem hoti hai ki hum kisi aur ko dekh ke we start copying it, ki samne wala teaching kar raha hai, samne wala research kar raha hai, so we can also do, and we do not follow our heart. So I think ki agar hum apni dil ki sunte hain, apni satisfaction ki taraf jate hain, to hum zyada successful bhi hote hain aur hame zyada khushi bhi milti hai. So thank you so much Shubhangi for being with us. It was wonderful. I am sure ki aaj bahut kuch sikha hoga aapke experience se hamare students ne. Ab now from Anujidnat, I would like to present it to you as a token of gratitude. So please accept this. Thank you. Thank you, thank you for our channel. Thank you.